नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने थामा आरजेडी का दामन, तेजस्वी बोले लालू यादव का हाथ हुआ मजबूत। ललन सिंह का पीएम मोदी पर तंज, बोले मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में बंसी बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले बिहार में जातीय गणना कराने को महागठबंधन सरकार प्रतिबद्ध। सम्राट चौधरी ने दी चुनौती, बोले विपक्ष में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। प्रशांत किशोर का बड़ा कुनबा, 6 पूर्व आईएएस के बाद अब 12 रिटायर्ड आईपीएस, जनसुराज अभियान से जुड़े। नित्यानंद राय का नीतीश की विपक्षी एकता पर बड़ा हमला, बोले कोई दम नहीं, यूं ही घूम रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले अमित शाह के दुलरुआ ने रुकवाई जातीय गणना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने की बजरंग दल को बैन करने की डिमांड, बोले इसे हनुमान जी से जोड़ना घोर अपमान। पटना बेउर जेल में एसएसपी के नेतृत्व में छापा, 7 मोबाइल सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद, 3 जेलकर्मी सस्पेंड। पूर्णिया में जुरंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने किसान की गोली मारकर की हत्या, खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर रविवार को राजद में शामिल हो गए और उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपस्थिति में राजद की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने लालू का हाथ मजबूत करने का काम किया है और आज गरीबों की चिंता कोई नहीं कर रहा, और साथ ही आज के दौर में अघोषित इमरजेंसी है। इस दौर में करुणा सागर ने आरजेडी ज्वाइन किया, और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है और आरजेडी जात की नहीं जमात की पार्टी है। 2022 तक गरीबी मिटाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे जैसे वादे केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में आज जरूरत है कि हम सबको एकजुट होकर देश को बचाना है। तो वहीं करुणा सागर ने कहा कि वो पार्टी को सशक्त करने के लिए काम करेंगे और बिहार के हित में उन्होंने राजद का दामन थामा है। मणिपुर हिंसा मामले को बिहार में सियासत तेज है और रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला, और साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि देश के पूर्वोत्तर में मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी कर्नाटक के चुनाव में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं वहां धार्मिक उन्माद कैसे फैले और चुनाव में लाभ मिले इसमें व्यस्त है। मणिपुर की समस्या के निराकरण की बात तो छोड़ दीजिए, आप संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल रहे। और साथ ही ललन सिंह ने ये कहा कि वाह रे देश की सरकार, मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बंसी बजा रहे हैं। बिहार में शुरू हुए जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर रविवार को तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में है और साथ ही कोर्ट में क्या होता है उसका इंतजार करना जरूरी है, और साथ ही कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके बाद चर्चा भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में जातीय गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी, और साथ ही आपको बता दें कि जिसकी अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी थी, लेकिन बिहार सरकार की ओर से मामले में जल्दी सुनवाई कराने की कोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद अब कोर्ट इस मामले में 9 मई को सुनवाई करेगी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की पहल पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ी चुनौती दी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से होने वाली मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ टाइम पास मुलाकात होगी, और साथ ही नीतीश कुमार को चाहिए कि वो नवीन पटनायक से सीख ले कैसे नवीन पटनायक ने उड़ीसा में काम किया है और उसका अनुसरण करे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश कुमार को ना तो किसी दल का समर्थन मिलेगा और ना ही जनता का समर्थन मिलेगा। जनसुराज पदयात्रा पर निकले राजनीतिकार, प्रशांत किशोर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हाल में प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से 6 पूर्व आईएएस अधिकारी जुड़े थे और अब रविवार को 12 पूर्व आईपीएस अधिकारी जुड़े हैं। ये सभी आईजी और डीआईजी रैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और साथ ही सभी लालू राबड़ी की सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार के सरकार में भी काम कर चुके हैं। साथ ही बता दें कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने के बाद पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अब पदयात्रा में भी शामिल होंगे और साथ ही लोगों को जागरूक करेंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक अभी कई ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो जनसुराज अभियान से जुड़ने वाले हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले बार एनडीए ने राज्य में 40 सीटों में से 39 पर जीत हासिल किया, और साथ ही इस बार हम लोग सभी यानी कि 40 सीटों पर बहुमत लाने वाले हैं।
वहीं विपक्षी एकता को लेकर उड़ीसा जा रहे नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने दम पर एक सांसद नहीं बना सकती वो दावा कर रही है कि भाजपा को चुनाव हारने का इससे बड़ा हास्यास्पद चीज क्या हो सकता है। और साथ ही नीतीश कुमार और महागठबंधन को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत से बनने वाली है और साथ ही उनकी विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, वो लोग बस यूं ही घूम रहे हैं। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद से सियासत काफी ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि रविवार को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जातीय गणना के रोक के लिए जो 6 आवेदन करता है वो सभी अमित शाह के दुलरुआ है और साथ ही भाजपा के नेताओं के सह पर याचिका दाखिल की गई है। साथ ही आपको बता दें कि नीरज कुमार ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ जातीय गणना विरोधी नहीं है, साथ ही वो गणना विरोधी भी है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 150 सालों में पिछली बार हो रहा है कि देश में 10 साल में जनगणना नहीं हो रही। अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी और इसके बाद 2021 में तय था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड का बहाना बनाकर आज तक जनगणना नहीं की और जनगणना नहीं कराए जाने से देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। परिसीमन कैसे किया जाएगा? कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसकी सियासी लपटे बिहार तक उठने लगी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में जेडीयू के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की डिमांड कर दी है। उन्होंने बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी बेहद ही शातिराना ढंग से बजरंग दल को महावीर हनुमान से जोड़ रही है और साथ ही ये भगवान हनुमान का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल गलत हरकत के लिए जाना जाता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है और केवल कांग्रेस ही बजरंग दल को रोक सकती है और रोकेगी भी। पटना के बेउर जेल में रविवार को एसएसपी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अचानक हुई कार्रवाई से जेल में हड़कंप मच गया। तो साथ ही आपको बता दें कि वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने बेउर जेल के वार्डों से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बता दें कि ये छापेमारी अभियान करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें 7 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल चार्जर और 2 डाटा केबल और साथ ही 4 हीटर कॉइल, 2 चाकू और इलेक्ट्रिसिटी का आइटम के साथ उनके सामान बरामद किए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक्टिंग चीफ हेड वार्डन और साथ ही इंचार्ज हेड वार्डन सहित 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। पूर्णिया के रूपौली थाना क्षेत्र के गोरियल पट्टे श्री माता पंचायत के बेड़मा बहियार कारी कोसी के पास रविवार को आधा दर्जन अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही आरोप है कि बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बैरिया थाना त्रिकापट्टी निवासी राजेश यादव पिता दिनेश यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि राजेश यादव रविवार की सुबह बेड़मा बहियार में मकई का भट्टा छिलवाने गए थे, जहां अपराधियों ने रंगदारी के लिए उसे गोली मार दी। गोलीबारी में घायल राजेश को वहां मौजूदा मजदूरों और साथ ही उसके परिजनों ने रुपौली रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।